सरकार रोजगार देने नहीं आती है। जो काबिलियत होगी या तुम पढ़ने में बढ़िया होगे, जब पास करोगे कोई भी परीक्षा तभी रोजगार मिलेगा। सरकार तो तुम्हें विकल्प दे सकती है, रोजगार स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जो एक गरीब का लड़का यूपीएससी क्रैक किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर उसने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की। जो मेहनत करेगा वो रोजगार, मतलब अभी 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 इनसे आप पूछिए ये कितना पढ़े हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की है और इनके लेवल के हिसाब से ये रोजगार क्या कर रहे हैं, ये खुश हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। कहाँ सरकार किसकी बन रही है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी होना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप देखना चाहेंगे तो नरेंद्र मोदी भी बहुत से भाषण है जहाँ उन्होंने बहुत गलत बोला है। आप अगर देखेंगे तो इडियट्स बना के लोग डाल देते हैं जो कि सही नहीं है। राहुल गांधी बात करते हैं शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, और जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उस पर बात की। आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी ने कही कि वो केवल धर्म के नाम पर सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। अभी आप धर्म के नाम पीपल्स का हो गया, यूपी में कोई भी पिछले 5 साल से ऐसा पेपर नहीं हो जो बिना लीक के पूरा हो गया हो। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं LKB न्यूज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन के बाद आज पहली बार कन्नौज पहुंचे हैं। कन्नौज में जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ आम जनमानस है, जहाँ जहाँ से उनका रोड शो गुजर रहा है वहीं पे मौजूद हैं। लोगों से समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या है, एक तरफ है सुब्रत पाठक तो दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, दोनों को लेकर कन्नौज की पब्लिक क्या सोचती है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच, तो समझते हैं कन्नौज का माहौल, क्या माहौल है कन्नौज का। भैया कन्नौज अखिलेश मई है, अखिलेश मई हाँ। सुब्रत पाठक का, सुब्रत पाठक का ये है, हम 5 साल जनता ने समय देख लिया है, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया और जनता को यहाँ चाहिए विकास, और वो विकास ही विकास पुरुष है तो विकास ही चाहिए हमको। उन्होंने कुछ कराया हो तो बताएं। अखिलेश के जो विकास हैं जहाँ जितने हुए थे उतने ही रुके पड़े हुए हैं, और आज तक जितना भी कन्नौज में विकास हुआ सब अखिलेश के हाथों से हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज आप ले लो, जितना विकास हुआ था उनके टाइम में उतना ही उसमें, उसके बाद एक ईंट नहीं लगी। आप उधर चले जाओ काऊ मिल फैक्ट्री में, उसमें भी आप देख लो वैसी बंद पड़ी है। पैरा मेडिकल आप चेक कर लो, जितना भी विकास हुआ है उनके ही हाथों से हुआ, उसके बाद सारा कुछ कन्नौज में ठप पड़ा हुआ है। सुब्रत पाठक ने कुछ नहीं किया, आपके नेता आ रहे हैं आज। नहीं, सुब्रत पाठक ने किया है, अपने स्तर पर किया है, लेकिन जिस समय से अखिलेश जी यहाँ से गए हैं वो विकास कार्य वहीं का स्टाफ पड़ा हुआ है। अखिलेश जी ने बहुत काम, हम बताते हैं भाजपा ने क्या किया है। अखिलेश जी ने हमारी यूपी पुलिस के लिए 100 नंबर कराई प्रोवाइड, उन्होंने क्या किया उसका नाम चेंज करके 112 रख दिया। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज है उसका नाम अब उन्होंने अंबेडकर रख दिया, उनका रहता है वोट बैंक बांटो राज करो, फूट डालो राज करो। अब अंबेडकर रखवा के SC ST के लिए उन्होंने वोट समेटने का काम किया है कि अंबेडकर रख देंगे तो SC ST इसमें खुश हो जाएगा कि हमारे अंबेडकर जी का नाम रख दिया, अब इनको वोट बैंक की तरह यूज कर लें। बस इतना काम रहता है भाजपा का, बांटो फूट डालो राज करो। आप बताइए रोजगार की दृष्टि से सरकार का काम क्या है, रोजगार मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है कन्नौज? अखिलेश भैया का बढ़िया है, अखिलेश जी जाएंगे, जीत जाएंगे रिकॉर्ड तोड़ने से। सुब्रत पाठक जो मौजूदा सांसद उनका काम कैसा लगा? कुछ किया नहीं लगेगा क्या? काम कुछ नहीं किया नहीं। आप बताइए आपको क्या लगता है? अखिलेश यहाँ से, अखिलेश यादव हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पे मुकाबला इस टाइम पे विकास वर्सेस रोजगार है जो भाजपा सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। लाइकली जैसे बहुत से पेपर लीक हुए जा रहे हैं जबकि अखिलेश सरकार में कई सारे भर्तियाँ आ रही हैं, टाइम टाइम से पूरी हो रही है। मेन मुद्दा विकास और यहाँ पे बस सरकारी नौकरी का, रोजगार का विकास नहीं हो पा रहा कन्नौज का। जिस डेवलपमेंट से अखिलेश जी ने योजना शुरू की थी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए थे, मेडिकल कॉलेज बनाए थे, उस स्तर से क्या मौजूदा सरकार विकास नहीं कर पा रही? देखिए विकास तो हर एक सरकार अपने हिसाब से अच्छा ही करती है, लेकिन जो अखिलेश ने विकास किया उस स्तर से या उनके लेवल का विकास यहाँ पे नहीं हुआ। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो कोई भी सरकार रोजगार देने नहीं आती है। जो काबिलियत होगी या तुम पढ़ने में बढ़िया होगे, जब पास करोगे कोई भी परीक्षा तभी रोजगार मिलेगा। सरकार तो तुम्हें विकल्प दे सकती है, रोजगार स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है या ना कि कोई किसी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार एक तरफ समाजवादी पार्टी की, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहना चाह रहे थे आप? एक तरफ डेवलपमेंट बता रहे, एक तरफ जो कह रहे समाज भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं। डेवलपमेंट के मुकाबले में जो है वहाँ के जो VIP जो नेता है, मुख्यमंत्री लेवल का नेता है, तो उसने डेवलपमेंट तो अच्छा किया, लेकिन शिक्षा और रोजगार के बारे में बात है। अगर आप मेहनत करेगा कोई भी लड़का हो, चाहे वो गरीब का हो या अमीर को, अभी आप UPSC का देख लो, गरीब का लड़का UPSC क्रैक किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर उसने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की। जो मेहनत करेगा वो रोजगार, मतलब मेहनत करेंगे आप तो बुलंदी पर भी पहुँचेंगे, सरकार कोई भी हो, क्या कहना चाहिए? अभी 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 इनसे आप पूछिए ये कितना पढ़े हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की है और इनके लेवल के हिसाब से ये रोजगार क्या कर रहे हैं, ये खुश हैं? जिस हिसाब से ये पढ़े हुए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, ये खुश हैं उस चीज़ से? अब एक बात बताइए, लड़का मेहनत कर रहा है, पेपर क्रैक कर रहा है, हर चीज़ से मेहनत करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जब आप पेपर ही रद्द हो गए, ओवर एज हो जा रहा है,
चार चार पाँच पाँच साल भर्तियाँ नहीं आ रही हैं तो उसकी मेहनत तो सब धरी धरी रह गई। कहाँ से मेहनत करके क्या पेपर लीक मुद्दा है कन्नौज में कि नहीं आप आम युवाओं में पेपर लीक कन्नौज ही नहीं कन्नौज में ही नहीं पूरा यूपी में मुद्दा है। लेकिन वो एक सरकार का फेलियर रहा है ये मानते हैं पेपर लीक का, लेकिन फिर भी अगर पेपर लीक नहीं हो तो भी लड़कों को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार के स्तर से बात हो गई, कन्नौज का चुनाव है, अखिलेश यादव सुब्रत पाठक दो की लड़ाई है, इस पर क्या सोचते हैं? जो यहाँ पे जो बात है वो अखिलेश ही जीतेंगे यहाँ अखिलेश। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मामला टफ रहेगा, तब एनडीए की सरकार बनती। हाँ बिल्कुल, शक नहीं है एनडीए या इंडिया। और यहाँ कन्नौज में अखिलेश यादव है सुब्रत, अखिलेश यादव कन्नौज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं, रोड दी हैं, और क्या नाम इंजीनियर कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, और क्या नाम बहुत अच्छे काम किए हैं कन्नौज के लिए। कन्नौज की सीट पूरी तरीके से निकलेगी अखिलेश की, अखिलेश यादव जीत रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है, इंडिया गठबंधन एनडीए से अखिलेश निकल रहे हैं? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन जी। प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। काम बेहतर किसने किया कन्नौज में, अखिलेश यादव सुब्रत नहीं बताएंगे, आप बताइए दादा। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव हाँ जी बेहतर जीत रहे हैं हमारे यहाँ 100% जीतेंगे। हमारे यहाँ इंजन खाली बनाया उन्होंने, पैरा मेडिकल बनवाया, सारा विकास किया हमारे क्षेत्र में, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। और कुछ लोगों से बात करें, युवा क्या लग रहा है, क्या माहौल है कन्नौज? माहौल सर अखिलेश यादव जीतेंगे इसके बाद। यादव जी जी। सुब्रत पाठक, सुब्रत पाठक नहीं जीतेंगे, उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया है, पाँच साल में कोई विकास नहीं किया, ऐसा कोई गली में गड्ढे हैं घर। पाठक जी स्थिति इतनी खराब है जिसका जवाब नहीं, पाठक जी ने कोई विकास नहीं किया है। आप बताइए आप भी युवा क्या लगता है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव काम किया बहुत काम किया, आप देख लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, यहाँ से डबल रस्ते डबल रोड करवाइए, यहाँ से त्रिभा से लेकर कन्नौज के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया, एक्सप्रेस वे बनवाया है, पुलिस के लिए 100 नंबर चलवाए, 112 नंबर चलवाए। और बताइए युवा आया बताइए, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कि ध्रुवीकरण जो सरकार करने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं हो रहा है? सरकार ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार वोट होगा रोजगार पे, बेरोजगारी पे और विकास पे। आप बताइए आप युवा आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव जीतेंगे, अखिलेश यादव जी बिल्कुल। सुब्रत पाठक ने कुछ किया आपके क्षेत्र? सुब्रत पाठक मोस्ट ऑफ दी लोग जानते भी नहीं होंगे, वो कभी दिखाई नहीं देते, हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। कहाँ सरकार किसकी बन रही है, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन? इंडिया गठबंधन बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। राहुल गांधी क्यों पसंद है आप लोगों को? पहले एक छवि उनकी बनाई गई थी, एक छवि गढ़ी गई थी, पप्पू कुछ लोग बोलते थे, अब आप लोग कह रहे प्रधानमंत्री। अगर इस टाइप से आप देखना चाहेंगे तो नरेंद्र मोदी भी बहुत से भाषण है जहां उन्होंने बहुत गलत बोला है, आप अगर देखेंगे तो इडियट्स बना के लोग डाल देते हैं जो कि सही नहीं है। राहुल गांधी बात करते हैं शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, और जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उस पर बात की है। आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी ने कही कि वो केवल धर्म के नाम पर सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। अभी आप धर्म के नाम पे मौजूदा सरकार गुमराह कर रही है, पढ़ाई जो रोजगार देगा, जो पढ़ाई नौकरी देगा उसी को वोट मिलेगा। सरकार नौकरी दे रही है मौजूदा की नहीं दे पा रही? नहीं दे पा रही है। देखिए पेपर लीक हो गया, आरओ का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, यूपी में कोई भी पिछले पाँच साल से ऐसा पेपर नहीं हो जो बिना लीक के पूरा हो गया हो। 7 साल से कोई वैकेंसी मिल पा रही उत्तर नहीं मिली यूपी में? कुछ नहीं मिली 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं। सारे युवा ओवरेज हो गए, सारे युवा युवाओं की ओवरेज की समस्या आती जो आप बता रहे हैं। अभी जो भर्ती हुई थी पुलिस की उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला युवाओं को। अच्छा ये बताइए, हम इसका आपको आंकड़ा बताते हैं, जो उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, अभी जो पिछले 3 साल के थे वो बंदे, अब जो आगे नई पीढ़ी आ रही वो भी एज में, कंपटीशन कितनी हाई कर दी इन्होंने। 7 साल बाद वैकेंसी दे रहे हो जिसमें आप निकाल रहे हो, जो भी भर्ती आपने निकाली और उसका कम से कम 5 से 6 गुना फॉर्म पड़ रहा है, और उसके बाद उसको आप रद्द कर दे रहे हो। अब जो नया बच्चा पढ़ के आ रहा है, पुराना वाला है, उसमें कंपटीशन कितनी, कितने बच्चों को आप रोजगार दे पाओगे और कितने बच्चे अगली भर्ती में फिर फेलियर हो जाएंगे? मुद्दा तो बनेगा चुनाव में, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। कन्नौज के आम इलाकों में मौजूद थे अखिलेश यादव, का यहाँ से रोड शो गुजरने वाला है, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ आम जनता थी। अखिलेश यादव आएंगे तब भी दिखाएंगे कन्नौज का क्या माहौल है, रोड शो में कितनी भीड़ उमड़ती है, वो भी एलकेबी न्यूज हमारा दिखाता रहेगा। कैमरामैन गौरव के साथ एलकेबी न्यूज, सौरभ सप्ताह, डी बार कन्नौज। ठीक है।